राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी टिकट वितरण को लेकर सर्वे करवा रही है और जल्द ही पहली लिस्ट आने की संभावना है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक में चुटकी लेते हुए कहा कि कोई कुछ भी चाहे उसे कुछ नहीं होने वाला। जो नीली छतरी वाला चाहता है अंतिम निर्णय उसी का ही होता है और नीली छतरी वाला यही चाहता है कि जो जनता चाहती है और जनता क्या चाहती है वो उसका मन जानता है। इसके साथ ही पायलट ने जनसभा में लोगों से कहा कि आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं और जनता को धन्यवाद देने भी, क्योंकि जनता ने हमेशा कांग्रेस का सहयोग किया है और भरोसा जताया है। इसके साथ ही पायलट ने आगामी विधानसभा चुनावों के चलते उम्मीदवारों की जारी होने वाली पहली लिस्ट को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने मिशन में जुटी हुई है और मजबूती से ही चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा के नेताओं में आपसी फूट है। केंद्र के नेताओं को राजस्थान में स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसके कारण वो बार बार राजस्थान आकर चुनावी बागडोर संभाल रहे हैं। पायलट ने कहा कि भाजपा पौने 5 साल से राजस्थान में गायब रही, अब जाकर इसको जनता की याद आने लगी है। उन्होंने परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होने वाला है, जनता इससे नहीं जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता आपस में फूट के चलते खुद ही लड़ रहे हैं। चुनाव में पायलट कांग्रेस की वापसी का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये दावा कितना सच साबित होता है। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।